गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सभी मजे में होंगे। तो आज मोटिवेशन के साथ कुछ अलग बात कहना चाहती हूँ। वो है अपने रूप, निखार और बालों को लेके कुछ टिप्स। और आ रहा है विंटर, और विंटर में हमें अपने आप को कैसे संभालना है, वो कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, मेरी एज 40 साल की है, पर 40 साल की एज में मेरा एक बाल सफ़ेद नहीं है, और वो आप दूर से नहीं देख सकते, बिलीव मी, एक भी सफ़ेद नहीं है। तो गाइस चलो, विंटर की हमें अपने आप से केयर कैसे करनी है, अपने आप की केयर कैसे करनी है। तो गाइस, इस समय में सूरज पृथ्वी के थोड़े करीब आता है, और ठंडी के कारण हमारे शरीर का मॉइस्चराइजर कम हो जाता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमें गर्मी में, धूप में या घर में, जिससे धूप से बचने के लिए हम यूज करना है, फर्स्ट इज सनब्लॉक सीरम, सनब्लॉक क्रीम, सन सूप, सोप, ये यूज करना है आपको। ये देखो मैं यूज करती हूँ, दिन में 3 बार 4 बार आपको डालना है आंखों के नीचे, ऐसे लगाना है। और फिर दूसरा है ये अम्ब्रेला पाउडर, जब आप धूप में निकलो इसके बाद ये लगा के निकलना है, अम्ब्रेला पाउडर। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं पहली बार हूँ, पर आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। SPF 60 का है ये, और SPF 50 जो एकदम से हमें नहीं अवेलेबल होगा, इसे ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। तो गाइस चलो, और दूसरी बात है मॉइस्चराइजर, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। तो इसे आपको स्किप नहीं करना है, जैसे नहाए उठे बस लगा दो, 2-3 बार लगाओ इसे, और 2-3 बार बारी बारी से लगाओ, 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे। और जब रात को सोना तो अच्छे से फेस वॉश करके आप, ये है लोटस का, कोई भी ले सकते हो, नाइट क्रीम, जिसे आप लगा सकते हो, नाइट क्रीम। और बताती हूँ मैं आपको, ये कोई भी नाइट क्रीम कोई भी कंपनी का चलेगा, VLCC हो, जॉय हो, कोई भी, पर अच्छा देख के लेना। और गाइस हाँ, यस, ये बात हो गई ना अपने स्किन केयर की, तो हम अंदर से अच्छे रहेंगे ना, जैसे खाना पीना और बहुत भरपूर पानी, प्रचुर मात्रा में पानी पीना है हमें, बहुत ज़्यादा 3-4 बोतल पानी पीना ही है बारे इस विंटर में, जिससे हमारा स्किन डिमॉइस्चराइज ना हो। और डिहाइड्रेट तो होना ही नहीं है खुद को, जब ही हमारी स्किन ऐसी रहेगी, क्योंकि मेरे जैसी तो नहीं बोल सकती, मैं 40 साल की हो गई हूँ। और ये बाल को आपको एकदम से काले रखने हैं, ऐसे सिल्की रखने हैं, ये कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया है मैंने कुछ भी, हाँ वो सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आपको क्या खाना है, स्प्राउट, अंकुरित अनाज खाना है, जैसे मूंग, चने, फिर सोयाबीन, सबको गला के सुबह आपको एक कटोरी तो लेना ही लेना है। और फ्रूट ना भावे भाए, पर लेना है मतलब लेना है, एक बाउल फ्रूट और मिक्स आटा होता है ना, जैसे मल्टीग्रेन आटा, उसे खाओ। एकदम से गेहूं की रोटी, बस गेहूं 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 नहीं खाना है, और चावल तो चावल ही नहीं खाना है, सब चेंज करते जाना है अपने अनाज को रोज रोज, और अपने खाने के खाद्य तेल को भी चेंज करते रहना है। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यूज़ करने ही करने हैं। और दूसरी चीज़ है बादाम का तेल, ये सब नहीं कर सकते आप, सबसे बेस्ट है बादाम का तेल, उसे अच्छे से मसाज करो, अच्छे से, जिससे आपकी स्किन जल्दी से जूरिया नहीं हो जाए, जैसे ऐसे, और आपकी स्किन फिट रहे। सिर्फ यहाँ लगाने से कुछ नहीं होगा, अंदरूनी तंदुरुस्ती के लिए हमें कुछ अच्छा खाना होता है, जैसे कि फ्रूट हो, मल्टीग्रेन हो, और उसको स्प्राउट बोलते हैं ना, वो सभी खड़ा अनाज खाना है, इसे पका पका के नहीं खाना, आधा कच्चा आधा ऐसा खाना है, जिसे आपकी स्किन मस्त रह सकती, वो भी 40 साल की एज में भी, आप 50 साल की एज में भी अच्छे रह सकती। तो अपना ख्याल रखने के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, कुछ प्रोडक्ट्स, और खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद के लिए भी हमारी कुछ जवाबदारी होती है,
बस हम लगे रहते हैं लोगों को राजी करने में, लोगों को खुश करने में, वो नहीं करना है। अगर आपको बाल के लिए कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में बोलना कि आप मेरे देखो ये सिल्की बाल नेचुरली सिल्की बाल है मेरे, और एक बाल सफ़ेद नहीं है, एक बाल भी। आपको ऐसे बाल चाहिए तो मुझे कमेंट बताना। अगर आपको इच्छा हो तो मैं कुछ बनाऊँ ना, इतना टाइम वेस्ट करो फिर आके बोलो हे गाइस आपको ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, तो अच्छा लगेगा। अगर आपकी रिक्वायर्ड होगी तो मैं बनाऊँगी वीडियो, और जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो बताऊँगी। तो हाँ, एक विंटर में आपको मुल्ताना मिट्टी नहीं लगानी है, वो आपकी स्किन को एकदम सूखा कर देगी। तो आपको लगाना है, वो लगाना चाहते हो तो आपको लगाना है थोड़ा सा मलाई और दूध मिक्स करके लगाओ, पर वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। और वो लगाने के बाद माइल्ड सोप से या माइल्ड फेस वॉश से धो दो, अदरवाइज उससे पिंपल्स आ जाते हैं मलाई दूध से। अगर आप मुल्ताना मिट्टी लगाना चाहते हैं तो कुछ बूंद बादाम का तेल या जॉनसन्स बेबी का बेबी ऑयल आता है ना, वो डाल के फिर लगाओ, पर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। कोई कोई तो रात रात को लगा के सो जाते हैं। हाँ, वो गर्मी में कर सकते हो आप, पर विंटर में बिल्कुल नहीं। और उसमें खाना बहुत अच्छा अच्छा खाना है, उसमें थोड़ा घी भी खाना है, ऑयली चीज़ भी खानी है, जैसे कि अपना हेल्दी ऑयल होता है। और बाज़ार की वस्तु तो बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल भी कुछ भी मत खाओ। हाँ, आप बाज़ार का खाओगे, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी, होटल में खाने की आपकी आदत हो तो बंद कर दो। होटल में जाओ फैमिली के साथ, बस सैलड खाओ, दाल चावल खाओ, बस इनफ हो गया। अगर सुंदर रहना है तो करना ही होगा। हम अपनी तारीफ नहीं करते इसके पीछे, पर खाना अच्छा खाना ज़रूरी है। सो गाइस, थैंक यू, इतनी ही बातें। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों से तो मैं अच्छे तरीके से ये बातें आपको वापस बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।